सोलन में नगर परिषद सफाई कर्मियों ने अचानक हड़ताल कर दी। कोई भी सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पर नहीं गया। सभी कर्मियों ने नगर परिषद के मैदान में बैठकर रोष प्रदर्शित किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। सभी सफाई कर्मियों द्वारा अचानक हड़ताल करने से शहर की सारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई और घरों से कूड़ा नहीं उठ पाया। जानकारी के अनुसार ये हड़ताल इसके लिए की गई क्योंकि सफाई कर्मी पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और उन्हें डेली वेज पर रखा जाए, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों ने जब उनकी बात को अनसुना कर दिया तो उन्हें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। समाज सेवी मनोज रघुवंशी और सफाई कर्मियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे पिछले करीबन 15 वर्षों से सोलन शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाने के लिए उन्हें महज 7 से 8 हज़ार रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से वे नगर परिषद अधिकारियों को आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें डेली बेस पर रखा जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की गई। इसके लिए वे हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर वे कार्यकारी अधिकारी और उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे संकट के समय में भी जान हथेली पर रखकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने ईओजी को 4 या 5 बार एप्लीकेशन दी है और हमें यही बोला गया हर बार कि हम जल्द ही जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे, पर नहीं, उस पे कोई डेली बेस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई लोगों को 15-15 वर्ष हो गए हैं कार्य करते करते, कई लोगों को 10 साल हो गए, कई लोगों को 8 साल हो गए, पर कोई भी कार्रवाई उस पे नहीं हो रही और उनको डेली बेस पे नहीं रखा जा रहा है। 7 हज़ार रुपये आप मान लीजिए, 7 हज़ार रुपये में क्या आप घर का खर्च चला पाएंगे? मगर क्योंकि हम कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और करते करते हमारे को 14 साल हो गई है, हमारा कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। 8 हज़ार हमारे को सैलरी मिलती है, क्या बच्चों को रोटी खिलाए, क्या हम करें? कल को हमें कोई बीमारी लग गई खुदा ना खास्ते कहीं से, तो हमारे इलाज को पैसे भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि सरकार की नौकरी कर रहे हैं हम, अपनी नगर पालिका पूरा शहर साफ कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कुछ सरकार सोचे ना। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये है कि हमारे को डेली वेज पर करा जाए। हमेशा हमारे को काम पे यही बोल के भेज देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन आगे भिजवा दी गई है, पर अभी तक कोई एप्लीकेशन आगे नहीं गई हुई है। हमारे लोग 8 साल से 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, उनकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कितनों की तो आधी उम्र उसी में निकल गई है कमेटी में काम करते करते, कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में अभी तक कमेटी ने। हम कोशिश करते हैं कि हमारे आदमी कोई कुछ करे, ना तनख्वाह बढ़ाई जाती ना कुछ करा जाता। अब हमारी एक ही मांग है सिर्फ हाथ जोड़ के नगर परिषद से कि हमारे को डेली वेज भी किया जाए। इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, सरकार को कुछ तो सुनना चाहिए हमारे बारे में। कई एप्लीकेशन भी दे चुके हैं ऊपर तक, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम ऐसी महामारी में काम कर रहे हैं और पूरा काम कर रहा है हमने, वह हमें हम सभी भाइयों की ये डिमांड है कि हमें सभी को डेली वेज कर दिया जाए। बेही कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने कहा कि सफाई कर्मियों को डेली वेज पर काम करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जो अधिकारी ये कर सकता है उनसे सफाई कर्मियों की बात करवाई जा चुकी है, लेकिन जहां तक वेतन की बात है इस बारे में परिषद की बैठक में मुद्दा रखा जाएगा। जो भी फैसला सदन करेगा उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी ज्यादा कोविड संकट और इसके नियमों से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने सफाई कर्मियों को चेतावनी दी कि वे उन पर जरूरी सेवाओं को रोकने पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वे उनकी अज्ञानता को लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जितना संभव होगा बैक किया जाएगा। आज मुझे विदित हुआ यहाँ पर दफ्तर में आने पे कि हमारे कुछ जो CLC के द्वारा हमने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर हड़ताल की हुई थी कि हमारे को डेली वेज किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। इस बारे में अवगत करना चाहूँगा कि मैंने अप्रैल 2019 से यहाँ पर कार्यभार संभाला था, उसके पश्चात 3-4 बार मैं अपने माननीय निदेशक महोदय शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से यहाँ पर कई मीटिंग्स का आयोजन कर चुका हूँ। इनको उनके व्यक्तिगत रूप से मिला चुका हूँ, आश्वासन ले चुका हूँ कि जैसे जैसे संभव होता है इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए, और जहाँ तक डेली वेज करने का सवाल है तो ये मेरे परव्यू में नहीं आता है। मैं इस बात को हाउस के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेज सकता हूं, ताकि गवर्नमेंट के परव्यू में जो चीज़ आती है गवर्नमेंट ही उसका हल निकाल सकती है। इस प्रकार से इन लोगों ने जो हड़ताल की है या काम छोड़ा है, मैं इसके प्रति सख्त कार्रवाई कर सकता हूं, परंतु कोविड काल में जो जिस हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इनकी अज्ञानता को देख करके, इनकी थोड़ी अनपढ़ता को देख करके, मैं कोई सख्त कार्यवाही करने के मूड में अभी नहीं हूँ। इनको मैंने आगाह कर दिया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना दोहराई जाए।